खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर में बात मुंबई की। पेड़ बचाने आरे, मुंबई के गोरेगांव में आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का विवाद अब बहुत बढ़ गया है। मुंबई मेट्रो के लिए कारशेड बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी के जंगल के 2702 पेड़ काटने के आदेश दे दिए हैं। भारी विरोध के बाद भी पेड़ काटने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के खिलाफ दायर याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में लंबित है। इसके बाद पेड़ काटने के लिए एमएमआरसीएल के लोग पहुंच गए तो आरे बचाओ मुहिम के कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। जमकर हाथापाई हुई। झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फिर भी आरोप है कि करीब 400 पेड़ रातों रात काट दिए गए। मुंबई में पेड़ काटने को लेकर अरसे से विरोध चल रहा है। जानी मानी हस्तियां भी आरे बचाओ मुहिम में जुड़ गई हैं। मुंबई के गोरेगांव में आरे कॉलोनी में 2702 पेड़ों को बचाने के लिए लोगों की मुहिम वहां पर जारी है। बिल्कुल चिपको आंदोलन जैसी मुहिम, लोग लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से, जब वहां पर टीम पहुंची थी पेड़ों को काटने के लिए, लोग उसका विरोध कर रहे थे। आरे बचाओ मुहिम के तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, उनको हिरासत तक में लिया पुलिस ने। और खबर यह भी है कि रातों रात वहां पर तकरीबन 400 पेड़ काट भी दिए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो चलाने के लिए जंगल काटा जा रहा है, वहां पर एक कारशेड बनाया जाएगा जिसका लोग लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। 2702 पेड़ हैं जिन्हें काटा जाएगा, जिसका विरोध सिर्फ आम लोग नहीं, जानी मानी हस्तियां भी कर रही हैं। आरे में बनाई जा रही मेट्रो 3 के कारशेड के संदर्भ में दाखिल याचिका में कल कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया और आरे में हो रही पेड़ की कटाई को मंजूरी देते हुए अपना निर्णय सुनाया, जिसके विरोध में कल शाम को पर्यावरण प्रेमी हैं वो काफी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने इसका विरोध किया और कल शाम से ही पेड़ों की कटाई जो है वो शुरू कर दी गई है। आरे में आने वाले 3 मार्ग जो हैं, जैसे मरोल, पवई और गोरेगांव, इन तीनों मार्गों से आरे के अंदर आया जा सकता है। वो तीनों मार्ग जो हैं पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ बाहर जाने वाले वाहनों को पुलिस ने परमिशन दी है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10-10 किलोमीटर जो है लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, उनको उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ एक पर्यावरणवादी हैं जो कल शाम को भी यहाँ थी और उस समय कुछ लाठीचार्ज की घटना हुई। क्या कहेंगी, कल क्या हुआ था, आप यहाँ थी तब? कल 3-4 बार लाठीचार्ज की घटना हुई और लोगों को अंदर वैन में डाला गया और ले गए। कितने बजे की घटना थी ये? 9 बजे से हो रही थी। एक बार 9 बजे हुई, ऐसे 3-4 बार हुई, लास्ट की घटना 2:30 को हुई। जो स्त्रियां भी यहाँ मौजूद थी और उनपे भी लाठीचार्ज हुआ? हाँ हाँ, क्योंकि उनके पास पुलिस लेडी पुलिस थे ना, तो उनको भी सबको खींच के सब लेके गए। ये हुआ, एक दो जन को तो मैंने देखा, मारा नीचे से, उठा लिया था और नीचे से मारा था, सब फ्रस्ट्रेशन। कितने लोग थे, कितने लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, कितने लोग मौजूद थे उस समय? हर एक ग्रुप को वैन में ऐसे 20-30 लोग भर के लेके जा रहे थे, एवरी टाइम उतना लोग उठा रहे थे सो दैट लोग डर जाए और कम हो जाए तादाद। ऐसे चल ही रहा था उनका, लोग बढ़ेंगे तो उनका वापस शुरू हो रहा था वो चीज़। तो ये थे एक पर्यावरणवादी जो कल शाम से ही इसके विरोध में यहाँ आंदोलन कर रहे थे और जिन पे बल प्रयोग करके उन्हें यहाँ से हटाया गया। और आज सुबह की परिस्थिति ये है कि लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर है वो अपने स्कूल, कॉलेज या काम की जगह पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि पवई, गोरेगांव या मरोल हो गया, यहाँ से अंदर आने वाले वाहनों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ वाहन जो है वो बाहर जा सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, पर्यावरण को बचाने, जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक कारशेड बनाने के लिए केवल जंगल काटने का ही रास्ता समझ आया, इसी का विरोध कर रहे हैं लोग। वो नहीं चाहते कि ये पेड़, 2702 पेड़ काटे जाए। पर्यावरण प्रेमियों का और क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए। दुख हुआ देख के कि मुंबई शहर में पेड़ लोगों को जीवन देता है और सरकार स्वयं बोलती है कि पेड़ लगाए और एक तरफ पेड़ काटा जा रहा है,
बड़े दुख की बात है। इस विषय पे जो भी निर्णय हुआ है वो एक दुख का विषय है। अंदर जाने के पश्चात हमें रोका गया और किसी प्रकार का थोड़ा दुर्व्यवहार किया गया हमसे, शायद कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा कोई घटना नहीं घटी है तो देखना हमारा काम है। सर, जिस तरह से सरकार का बर्ताव है उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल नाराज हूँ सरकार के बर्ताव से। सरकार स्वयं बोलती है पेड़ लगाए और एक तरफ पेड़ कट रहे हैं। यहाँ पर जो हमने दृश्य देखा, हमें जो वीडियो पे देखने को मिला कि यहाँ पे मध्य रात को यहाँ पर झाड़े तोड़ रहे, पेड़ तोड़ रहे, तो हमने तुरंत ही हमारी गाड़ी यहाँ से ली और रात को हम यहाँ पर आकर देख रहे, तो पब्लिक को अलग रखा गया है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भी अलग रखा गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो ये बात बहुत गंभीर है। अगर ये ऐसे बोलते हैं कि हाईकोर्ट में से परमिशन मिली है, तो रूल ये है कि हाईकोर्ट से परमिशन मिलती है तो 15 दिन का अवधि दिया जाता है। लोगों की भावना यहाँ तीव्र है, तो इनकी भावनाओं को, इनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट देकर वेबसाइट पर अगर परमिशन डाल दी होती कि भाई परमिशन मिली है, बाहर भी कुछ बोर्ड नहीं लगाया और रात के दौरान ये लोग अगर काम कर रहे हैं पेड़ों को तोड़ने का, तो ये बहुत ही गंभीर है। मैं तो कहती हूँ कि मुंबई में ये आरे फॉरेस्ट और नेशनल पार्क का फॉरेस्ट यही है हमारे लंग्स। अगर इसको भी आप इस तरह से काटोगे प्रोजेक्ट के लिए, तो मुंबई में 20-25 साल के बाद हर बच्चा ऑक्सीजन की नली लगाकर घूमेगा कि क्या इस तरह से, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए और जगह मिल सकती थी। अगर नहीं मिल रही है तो कुछ भी पर्याय करके आप कर सकते थे, लेकिन पेड़ों को काटना बहुत दुर्दैव की बात है। शिवसेना खुलकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रही है। संजय राउत ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट करके निशाना साधा है। कार्टून इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है कि अरे आरे फॉरेस्ट लैंड नहीं, पेड़ काटे ही जाएंगे। ये कहना है कि आरे जो है वो फॉरेस्ट लैंड ही नहीं है और पेड़ को किसी भी सूरत में काटा ही जाएगा वहां पर। तो देखिए, एक तरफ आरे बचाने की मुहिम चल रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है कि वो पेड़ जल्द से जल्द काटे जाए ताकि वहां पर कार शेड का निर्माण हो सके। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या है पूरी जानकारी, अभी क्या माहौल है वहां पर, अभी भी क्या पहुंच रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता? देखिए, मैं अभी की अगर बात करूं तो उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है यहाँ, यानी कि वहां पर जमावबंदी घोषित कर दी गई है और पुलिस वहां पर लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रही है। जो तमाम रास्ते से, चाहे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर से हो या फिर पवई के रास्ते हो, जहाँ जो आरे मिल कॉलोनी की तरफ जाते हैं, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया है पुलिस ने और वाहनों की आवाजाही भी रोक दी है। इलाके में फिलहाल जो है जानकारी मिली है कि जो घेरेबंदी कर रखी है उसके बीच जिस जगह पर कारशेड बनना है वहां पर पेड़ों को काटे जाने का काम इस वक्त चल रहा है। और ये कल शाम से ये काम शुरू हुआ जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि वहां पर पेड़ों की कटाई को नहीं रोका जा सकता है। जो तमाम याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आई थी कि कार शेड के लिए पेड़ों को ना काटा जाए, तो उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके तुरंत बाद जो है वहां पर प्रशासन ने पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण प्रेमी थे और दूसरे जो संगठन थे जो कि विरोध कर रहे थे वहां पर कार शेड बनाए जाने का, उनके लोग वहां पर इकट्ठा हुए और पुलिस के साथ में उनकी भिड़ंत हुई। उन्होंने उस वक्त काम रुका दिया था। पुलिस ने उन तमाम लोगों को, करीब बताते हैं कि 60 से ज्यादा लोग थे, उन्हें हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद उनको छोड़ा गया, जिस पर वहां पर फिलहाल शांति बनी हुई है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता मौके से, और पूरी जानकारी दे रहे थे। लोगों अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन भी अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है। ठीक है, जो फैसला दिया गया उसके हिसाब से कार्रवाई होनी है, लेकिन उसके लिए लोगों की मांग है कि थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ताकि जो जनता के सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से वो भी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे ने क्या ट्वीट किया। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर मंत्रालय पर ही सवाल उठा दिया। मुंबई मेट्रो के निर्माण के साथ प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बात करना संवेदनहीनता है, ये निशाना साधा है आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। आरे के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को तबाह किया जा रहा है, अहंकार की लड़ाई से बनाने के उद्देश्य को नष्ट कर रही है, ये शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की तरफ से निशाना साधा गया। मुंबई मेट्रो, उन्होंने ये भी कहा, मुंबई मेट्रो उन सभी चीजों को खत्म कर रही है जिसकी बात भारत ने यूएन में की थी, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ भारत ने बातें की थी, मुंबई मेट्रो का निर्माण उन सब चीजों को नष्ट कर रहा है।
स्वागत है आपका एक बार फिर। शिवसेना आरे के पेड़ पर बीजेपी को ललकार रही है। आदित्य ठाकरे के रुख से साफ है कि मुंबईकर के मुद्दे पर शिवसेना मुंबईकर के साथ रहेगी, ना कि बीजेपी के फैसले के साथ। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी को। आरे में बनने वाले मेट्रो कार शेड 3 के संदर्भ में दाखिल याचिका जो है कल कोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसका विरोध आज जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं शिवसेना की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, शिवसेना जो है वो शुरू से इस मुद्दे का विरोध कर रही थी, अब कोर्ट ने भी है जो अपना फैसला सुना दिया, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो फैसला सुनाया गया है हमने कल भी कहा था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और शिवसेना ने शुरू से कहा है कि हम मेट्रो के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए को एग्जिस्ट करनी चाहिए। कि जंगल को मिटाकर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक होगा ही। तो हम कह रहे हैं कि जंगल भी हो सकते हैं, आदमियों के लिए व्यवस्थाएं भी बनाई जा सकती हैं, और ऑप्शन ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही है, दूसरे भी कार शेड के ऑप्शंस दिए गए हैं, पर उसका इस्तेमाल ना कर मुंबई निवासियों से बातचीत ना कर एकदम से एक बुलडोज कर जो ये निर्णय किया जा रहा है MMRCL की तरफ से, और जैसे ही हाईकोर्ट ऑर्डर आता है उसके कुछ ही घंटों में पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है, मैं मानती हूं कि एक बहुत गलत संदेश भेजता है, जहां पे आप डेवलपमेंट के नाम पे जो बसे बसाए जीव जंतु हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल हैं यहां पर, उसको खत्म कर दे रहे हैं। बीजेपी शुरुआत से इसका समर्थन कर रही है और शिवसेना शुरुआत से विरोध, क्या इन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में आगामी चुनावों को लेकर इस पे कुछ क्लैशेस हो सकते हैं दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, हमने अपना मुद्दा एकदम जोर शोर से रखा है, और मैं मानती हूं हर मुंबई निवासी का ये मुद्दा है, और मुंबई कर होने के नाते हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे, और क्योंकि ये जो डिसीजन है आने वाले समय में कहीं महाराष्ट्र के कोई तड़ोबा में जाकर फिर आप लोग रोड्स बनाने लग जाएंगे, तो कुछ चीजें होती हैं जहां पे डेवलपमेंट के ऊपर ऊपर आपको देखना है कि आपका पर्यावरण को तो हानि नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, आरे के विवाद में कई जानी मानी हस्तियां आ चुकी हैं, अमिताभ बच्चन का भी आरे कार्यकर्ता विरोध कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मेट्रो की तरफदारी की थी और लोगों से बगीचे में पेड़ लगाने की सलाह दी थी लोगों को। कई दिन तक अमिताभ के घर पर विरोध चलता रहा। अमिताभ ने ट्वीट किया था, मेरे एक दोस्त के सामने मेडिकल इमरजेंसी थी, उसने कार की जगह मेट्रो लेने का फैसला किया, मेट्रो से वो प्रभावित हुआ, प्रदूषण से बचने के लिए और पेड़ लगाए, और ज्यादा पेड़ लगाने जाने चाहिए, मैंने अपने बगीचे में लगाए हैं। आपने ये ट्वीट किया था अमिताभ बच्चन ने, जिसके बाद उनका काफी विरोध भी हुआ था।